अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। भाई वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने कौन सा बर्ड लगाना है, क्वालिटी क्या होती है, हमारे पास बर्ड क्यों नहीं बिक रहा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, यार बर्ड ले तो लिया बिक नहीं रहा, 10,000 का लिया था उसके बच्चे 5,000 में बेचना पड़ रहे हैं, और खुद लिए थे महंगे अब इतने सस्ते हो गए, क्या करें। लेकिन बेसिकली हमने हमेशा जो है बर्ड से सिर्फ ब्रीड लेनी होती है, क्वालिटी पे हमने काम नहीं करना होता। क्वालिटी है क्या हमें यह नहीं पता होता। उनको फ्लाइंग केज में नहीं छोड़ते जब उनकी ब्रीड आती है, बच्चे बाहर आ जाते, हमने बर्ड को रेस्ट पे नहीं छोड़ा होता तो हमारे पास क्वालिटी नहीं आती। लेकिन क्वालिटी हमेशा चेहरे से पता लगती है, बर्ड के ग्लो से पता लगती है। ठीक है, बर्ड जब स्टिक पर बैठता है उसका बैठने का तरीका बताता है। ठीक है, अच्छा हमारा बर्ड क्यों नहीं बिक रहा, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे कराची में देखा जाए तो ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रीडर्स हैं बड़े बड़े, उनका बर्ड बिक जाते हैं महंगा महंगा, हमारा नहीं बिकता। अच्छा, हम उनसे ले लेते हैं महंगा और जब हम बेचते हैं तो हमारा बर्ड जो है नहीं बिक रहा होता। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को एक ब्रांड बनाएं, अपने बर्ड्स की पिक्चरें अपलोड करें, अपने बर्ड्स को शो केज में डालें, अपने बर्ड्स की पिक्चरें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन पर शेयर करें कि भाई मैंने ये चीज़ रखी हुई, मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ये क्वालिटी पर काम कर रहा हूँ। फिर अपने सीड्स दिखाएं कि अब कौन से सीड यूज़ कराते हैं, सॉफ्ट फूड दिखाएं, अपने बर्ड का डेली जो है उनका व्लॉग करें, वो उनको वो दिखाएं कि भाई मैंने ये बर्ड लगाया, ताकि लोगों को पता चले आपके पास भी क्वालिटी है। जब तक आप क्वालिटी दिखाएंगे नहीं आपकी क्वालिटी बिकेगी नहीं। आप बोलते हैं यार क्वालिटी तो है मेरे पास, कैसे मैं दिखाऊं, तो आप जब तक दिखाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, दिखानी कैसे, आपने तस्वीर तो लगा दी यार क्वालिटी बर्ड बेच रहा हूं, पर उसको उसमें क्या क्वालिटी आपने वो तो आपने बताई नहीं, तो वो लोगों को तब पता चलेगी जब आप डेली बेस के ऊपर परिंदा जो है दिखाओगे। डेली नहीं दिखा रहे, ब्रीड आ रही है ब्रीड दिखाओ, बच्चे जो है हैचिंग हो गए वो दिखाओ, अंडों की एवरेज दिखाओ, सॉफ्ट फूड दिखाओ। देखो, जब तक क्वालिटी पे काम नहीं करोगे ना तब तक क्वालिटी नहीं आएगी। अच्छा, बच्चे आ गए, बच्चों को जो है शोकेज में डालो तब भी दिखाओ, 2 महीने बाद आप जब ने फ्लाइंग केज में डाल दिया आपने, मिसाल की बात है ब्रीड आई, बच्चे आ गए, बच्चे बाहर आ गए, अपने फ्लाइंग केज में डाले, बच्चे उड़े, खाया पिया उन्होंने टाइट, जब सेल्फ पे आए अच्छी खासी कंडीशन बनाई उन्होंने, और फिर जब एडल्ट हुए आपने दिखाया यार पहले ये थे अब ये हुए, माशाल्लाह क्वालिटी के ऊपर काम हो रहा है, माशाल्लाह सॉफ्ट फूड भी अच्छा दे रहे हैं और ये चीज़ें चला रहे हैं, तो माशाल्लाह आपसे बर्ड लोग लेंगे। अच्छा, सेकेंड चीज़ के बर्ड जो है कैसे पता चले कि यार क्वालिटी क्या है, आपका बर्ड खुद बताएगा, आप जब काम करोगे ना मेहनत का सिलाब कर ला देगा। अच्छा, दूसरा कि यार कौन सा बर्ड लगाना चाहिए। देखें, मेरे लिहाज से सबसे अच्छा जो बर्ड है रेनबो एग्जीबिशन, फेलो, TCB, ये बर्ड लगाएं, रखें, इंशाल्लाह बिकेंगे। महीने लेंगे, 2 महीने लेंगे, 1 साल लेंगे, पर जब बिकेंगे ना माशाल्लाह आपको वो पूरा कर जाएंगे। देखें, बर्ड शौकिया भी लिहाज से पाला जाता है, पैसों के लिहाज से भी पाला जाता है, और हमेशा इस हॉबी को ना फुल टाइम नहीं रखें, पार्ट टाइम रखें। ठीक है, तभी आप कमा पाएंगे, क्योंकि आप पूरा इनके ऊपर डिपेंड करेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं रेनबो के ऊपर वीडियो बनाऊं, रेनबो होता क्या है, रेनबो एग्जीबिशन क्या है, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।